Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Spice Up by Hira Rahil. आज हमारे किचन में एक बहुत ही बेहतरीन देगी पुलाव किस तरह से आप कम बजट में रह के बना सकते हैं ये हम सीखेंगे. आज बना रहे हैं हैदराबाद स्पेशल देगी चना पुलाव. इसके लिए सबसे पहले एक पैन में आधा प्याली तेल गरम कर लिया है. उसमें दो प्याज शामिल किए हैं, दरमियाने साइज की प्याज ली है और उन्हें बारीक काट लिया है. इतना फ्राई करेंगे कि इसका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए. गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं किसी अपनी प्लेट पे. और चूल्हा जो है वो यहाँ मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे तो अगर ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो एकदम से जल सकते हैं. अब यहाँ पे हम एक चम्मच ज़ीरा, चार बड़ी इलायची, दो से तीन तेज़पत्ते, तीन से चार दालचीनी, पाँच से छः हरी इलायची, एक बादियान का फूल है, आठ से दस लौंगे और आधा टीस्पून आप साबुत काली मिर्ची शामिल कर लीजिए. फ्लेम बहुत हल्की रखी है. अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं. दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक स्लाइस कट कर लिया है. एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है. अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो ताज़ा पीस के डाला है. सात से आठ हरी मिर्चें हैं, उनको भी पीस के शामिल कर लिया है. एक टेबल स्पून साबुत धनिया है, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है. और आधा टेबल स्पून जो है वो यहाँ सौंफ शामिल कर दी है. अब यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए. मिर्चें जो है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अब यहाँ पे आलू बुखारा शामिल करेंगे चार से पाँच. ये ज़रूर शामिल करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है. अब यहाँ हाफ टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं. मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. पहले ही हम हरी मिर्चें कूट के डाल चुके हैं, अब हमने पिसी लाल मिर्चें भी शामिल की हैं तो आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं. अब यहाँ मसाले को 8 से 10 मिनट तक हम भूनेंगे, इतना कि टमाटर बिल्कुल गल जाए. मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है. अब इसमें 4 से 5 चम्मच बड़ा चम्मच जो होता है उसे भर के हमने दही शामिल कर ली है और मसाले को दही के साथ भूनेंगे. अब यहाँ पे बॉयल चने शामिल कर रहे हैं, दो कप के करीब. दो कप यानी जो मेजरिंग कप होते हैं. और इसमें हमने इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा इसका पानी भी शामिल है. अब यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते हैं, कुछ धनिए के पत्ते हैं और एक बड़ा लीमू है, उसको स्लाइस करके हम इस मसाले के साथ ही शामिल कर देंगे. अच्छा, एक चीज़ जो याद रखनी है, जब हमने चने बॉयल किए हैं तो उसमें भी नमक शामिल है. अब एक टीस्पून के करीब यहाँ पे गरम मसाला शामिल कर लिया है. सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम अपने चावल शामिल करेंगे. चावल जो है वो बासमती चावल लिया है और उसको आधा घंटा पहले से भिगो के रखा था. अब इन भीगे हुए चावलों को पानी निकाल के यहाँ शामिल कर लिया है और इसमें दो बड़े गिलास के करीब यहाँ पानी शामिल किया है. पानी डालते हुए बहुत ख्याल करना है, पानी बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. आधा किलो चावल में दो गिलास के करीब पानी शामिल किया है और एक कप में है यहाँ पे यखनी शामिल कर रही हूँ. अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे. 7 से 8 मिनट बाद ये तकरीबन एक गिलास के करीब पानी बचा है यहाँ. अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर. और केवड़ा वाटर में जो है मैंने फूड कलर भी शामिल किया है, बिल्कुल 3-4 टीस्पून के करीब. आप चाहें तो यहाँ कलर को स्किप कर सकते हैं. और जो हमने पहले से प्याज फ्राई करके रखी थी, अब चावलों के ऊपर उस फ्राइड प्याज की एक लेयर लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए. अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने रख देंगे. 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा पुलाव बेहतरीन किस्म का बन के तैयार है. चावल देखें आप कितने खिले खिले चावल बने हैं
और खुशबू ऐसी आ रही है कि जैसे वाकई किसी देख के पास आप खड़े हों। और ये आप जब ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन देगी पुलाव जो है वो आप खुद घर में बना सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।